दोस्तों आप लोगों ने देख लिया किस तरह से मैंने इस प्लेट को एक म्यूजिक सिस्टम में मैंने डाइवर्ट कन्वर्ट कर दिया था, मैंने कैसे इसको बना दिया था एक म्यूजिक सिस्टम पूरा कंप्लीट। तो उस तरह से आप लोग भी बनाना चाहते हैं, आपके पास में कोई सा भी इस तरह का ब्लूटूथ का कोई सा किट पड़ा है ना, ये मदरबोर्ड बोलते हैं इसको, किसी भी ब्लूटूथ का किट इस तरह का पड़ा आपके पास में, तो आप बहुत ही अच्छा एक ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं। देखने में बहुत यूनिक लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी, जिस तरह का मैंने दिखाया था आप लोगों को अभी बजा करके, जैसे बज रहा था शुरू में स्टार्टिंग में, उसी तरह उसी टाइप का आप लोग बना पाएंगे। और अपने घर में कहीं भी लगा दीजिए आराम से और चालू करके बजाते रहिए इसको, कहीं पर दीवार में चिपका दीजिए। और वो जो मैंने बनाया था बल्ब का बनाया था मैंने, तो वो लगा हुआ है, दिखाया मैंने आप लोगों को शुरू में। ये देखिए ये कैसे बनाया, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इस तरह का बना करके अपने घर में तीन चार लगा सकते हैं आराम से, चारों कोने में लगा दीजिए उसको, कहीं दीवार पे चिपका दीजिए, मोबाइल से कनेक्ट करके आराम से बजाते रहिए, तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक सिस्टम बनने वाला है इस प्लेट के मदद से। ऐसा कोई सा भी प्लेट है आपके पास में तो आप लोग उसको बना पाओगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा सा वीडियो स्किप करेंगे फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कनेक्शन भी करना है, तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, थोड़ा सा वीडियो को स्किप आप लोगों को नहीं करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्त उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लाइक से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलता है और बहुत अच्छा लगता है आपका लाइक से, फिर हम लोग और भी अच्छी अच्छी वीडियो खोज करके आप लोग लेकर के आते हैं, जिसे देख करके आप लोग खुद से अपना ब्लूटूथ सही कर पाते हो, नेकबैंड सही कर पाते हो, या फिर कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जो आप लोग सही कर पाते हो, और अच्छी अच्छी और भी बहुत सारी वीडियो जो मैं बनाता रहता हूँ यूनिक यूनिक, वो भी देखते रहते हैं आप लोग। तो ठीक है अब शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों मैं अब शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास में कमेंट बहुत ज़्यादा, एक चीज़ के लिए कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, पहले मैं उसको बता रहा हूँ कि एक भाई का कमेंट था कि अगर आईसी में से जो वॉल्यूम आईसी होती है आईसी में का अगर प्रिंट निकल गया है, उखड़ गया है, तो फिर हम उसको कहाँ से जम्पर करें, कैसे करके हम उसका आवाज़ वापस मंगा सकते हैं। तो उनका समस्या यही हो गया है कि जो वॉल्यूम आईसी होता है ये होता है पूरा वॉल्यूम आईसी, ठीक है, इसमें दो आईसी दिया है, किसी किसी प्लेट में एक आईसी दिया रहता है। तो मैं एक आईसी वाला प्लेट ले लेता हूँ, देखिए इसमें एक प्लेट में इसमें एक ही आईसी दिया गया है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसमें लेकर के आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। ठीक है तो इसमें एक ये वॉल्यूम आईसी दिया गया है, हो सकता है ऐसा होगा उनके पास में। तो अगर आप लोगों का भी समस्या है तो देख लीजिए कि अगर ऐसा हो गया है कि प्रिंट निकल गया वॉल्यूम आईसी जहाँ पे ये कनेक्ट हुआ है तीन, ये इधर चार पॉइंट इधर चार पॉइंट, और इसका प्रिंट अगर उखड़ गया तो आप लोग कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये देखिए आप लोग। तो ये वाला जो होता है इधर का दो दो पॉइंट इधर दिख रहा है ना, एक दो इधर का दो, ये होता है इनपुट के लिए, ठीक है, और ये होता है आउटपुट, आउटपुट के लिए होता है एक दो, इधर का दो पॉइंट आउटपुट के लिए और इधर का दो पॉइंट इनपुट के लिए दिया गया रहता है। तो अगर इधर वाला पॉइंट उखड़ गया है, इनपुट वाला पॉइंट उखड़ गया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट एक वायर जंपर कीजिए और कहीं पे यहाँ पे माइनस में जॉइंट कर दिए, माइनस का पॉइंट होता है, तो यहाँ पे आप लोग जॉइंट कर दिए मैं एक वायर को, स्पीकर के एक वायर को यहाँ पे जॉइंट कीजिए, और एक वायर को लेकर के आप आराम से यहाँ पे आप लोगों को छोटे छोटे कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, तो इन कंपोनेंट में आप थोड़ा थोड़ा उसको टच करेंगे, फिर आप लोगों को मिल जाए ज़्यादा चांस है कि ब्लैक वाला जो ये कंपोनेंट आप लोग दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्लैक वाला यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर इस तरफ का प्रिंट उखड़ा है तो ऐसे यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए, अगर इस तरफ का प्रिंट उखड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इधर से उठाइए, यहाँ पे इधर से एक जंपर लीजिए, एक वायर, जंपर का मतलब है एक वायर लीजिए आप लोग, कोई सा भी इस टाइप का आप लोग वायर लेंगे और ले करके और यहाँ से जॉइंट करेंगे, जहाँ पे टूट गया ना, जहाँ पे जंपर इस साइड में टूटा है, तो यहाँ से आप लोग वायर को जंपर कीजिए और करके और स्पीकर के इन दोनों पे टच करेंगे ना बारी बारी से किसी एक पर, तो आवाज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सही कर सकते हैं, और फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए या फिर फ़ोटो खींच के अपने मदरबोर्ड का हमारे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, हम बोर्ड को देखेंगे बता देंगे आप लोग, वहाँ पे आराम से पूरा प्रिंट करके बता देंगे कि कैसे कहाँ पर ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो उम्मीद में कहता हूँ ये सब समझ में आप लोगों के आ गया होगा। अब शुरू करते हैं जो बताना था मेरे को। तो ये वाला मेरा प्लेट है, इस प्लेट में मैं अभी एक यूनिक सा ब्लूटूथ म्यूजिक स्पीकर बनाने वाला हूँ इसी में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे पहले बैटरी लेना है दोस्तों। अगर बैटरी नहीं है ना तो बिना बैटरी के भी चला सकते हैं, मेरे पास कैसे चला सकते हैं वो मैं आप लोग बताऊँगा, लेकिन मेरे पास में बैटरी है तो बैटरी में ले लेता हूँ। तो इस तरह का मेरे पास में एक बैटरी है, अगर ऐसा बैटरी है तो ठीक है, अगर ऐसा बैटरी नहीं है तो आपके पास में कोई मोबाइल का बैटरी है तो भी आप यूजिंग में ले सकते हैं उसको। तो इस तरह का अगर मोबाइल का बैटरी है तो भी आप यूज में ले सकते हैं, और ये वाला बैटरी है तो भी ले सकते हैं। ये पेंसिल बैटरी नहीं है दोस्त, ये स्पेशल में ब्लूटूथ स्पीकर में लगाया गया रहता है, ब्लूटूथ म्यूजिक स्पीकर में ही लगाया गया रहता है, इसका वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो आप लोग पेंसिल बैटरी समझ करके आप लोग इसको ना समझें, ये पेंसिल बैटरी नहीं है, ठीक है।
तो ये वाला ले लेंगे हम। और हमारे पास में एक वायर होना चाहिए, ऐसा इतना छोटा सा वायर होना चाहिए हमारे पास में। ये जैक नहीं लगा हुआ तो भी कोई बात नहीं है, मेरे पास में जैक लगा तो मैंने ले लिया और लेकर के ज्वाइंट कर लेंगे। अब इस बैटरी में आप लोगों को पता है कि इधर वाला प्लस का पॉइंट होता है, ये जो होता है ये प्लस का पॉइंट होता है और ये वाला होता है माइनस का पॉइंट। तो प्लस की तरफ हम प्लस वाला वायर ज्वाइंट कर लेंगे और माइनस की तरफ माइनस वाला वायर ज्वाइंट कर लेंगे हम। तो दोस्त इस तरह से आप लोग अपने बैटरी में वायर को ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए कैसे मैंने ज्वाइंट किया, इस तरह से आप लोग ज्वाइंट कर लेंगे। इस एक तरफ में माइनस का पॉइंट और एक तरफ में प्लस का पॉइंट आप लोग ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास में जैक नहीं है, जैक वाला वायर नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो कहाँ पर कनेक्ट करना है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो फिलहाल मेरे पास में तो ऐसा था तो मैंने ये वाला कनेक्ट कर लिया है। अब चलिए इस बैटरी को मैं साइड में रखता हूँ, अब स्पीकर बनाता हूँ मैं। स्पीकर बनाना कैसे है देखिए, आपके पास में ख़राब LED बल्ब तो पड़े ही होंगे, बहुत सारे बल्ब पड़े होंगे, एक दो तीन चार कितने सारे बल्ब तो ख़राब हो जाते हैं और फेंक देते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों का LED बल्ब ख़राब हो गया, नहीं सही हो रहा उसको, अगर आप लोगों ने फेंक रखा है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर जाकर देखिए आप लोग, वहाँ पर मैंने बता रखा है किस तरह से आप अपने ख़राब LED बल्ब को सही कर सकते हैं। वहाँ से देखने के बाद भी अगर फिर भी सही नहीं होता है, ज़्यादातर चांस है कि सही हो जाएगा, अगर फिर भी सही नहीं होता है तो उसको आप लोग यूज़ में लीजिए और इस तरह का एक स्पीकर बना लीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों का ख़राब LED बल्ब है तो पहले उसको सही करने की कोशिश कीजिए, अगर सही हो जाता है तो ठीक है, और फिर भी अगर नहीं हो पाता है, मान लीजिए किटी ख़राब हो गया है, ठीक है, या फिर कोई और IC वगैरह प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, और जैसा मैंने वीडियो में बताया अगर उससे अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप स्पीकर बना लीजिए। और इस तरह का दो स्पीकर आप लोग बनाएंगे, स्पीकर लेंगे, ठीक है। किस तरह से इसको बनाया जाता है, इसको निकाला जाता है, सब कुछ मैंने वीडियो में बना करके अपलोड कर रखा है, जिस वीडियो में मैंने बताया है ये वाला स्पीकर बनाना, ठीक है। किस तरह से खोला जाता है, वायर कैसे ज्वाइंट करते हैं, किस साइज़ का स्पीकर लगता है, सब कुछ मैंने बता रखा है उसमें। तो आप लोग जा करके वो वीडियो देखेंगे आराम से, और देख करके आप लोग इस तरह का स्पीकर भी बना पाएंगे। नॉर्मली से बात ये समझिए कि यहाँ से दो वायर गया है और स्पीकर में लगा दिया है मैंने, और लगा करके यहाँ पर फिक्स कर दिया है, और बाकी जो हॉट ग्लू होता है उससे मैंने इसको चिपका दिया है। ठीक वही प्रोसेस मैंने इसमें भी किया है, दो वायर यहाँ से इन दोनों के पास से निकाला है मैंने अंदर से, और यहाँ पर बाहर ला करके स्पीकर में ज्वाइंट करके इसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, ठीक है। और किस साइज़ का स्पीकर इसमें लगाया जाता है वो मैं आप लोगों को तो यहाँ पे मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर निकलेगा ही नहीं बाहर, ये चिपका रखा है मैंने, ठीक है। तो इसका इसमें जिसका मैग्नेट जो होगा वो मैग्नेट थोड़ा पतला होना चाहिए, तो इसमें आप लोग सेट कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप लोग दोनों को तैयार कर लोगे। तो ये मैंने दो स्पीकर तैयार कर रखा है और दोनों ही बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और भी बहुत सारे मैंने स्पीकर इस टाइप के बना करके घर में लगा रखे हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों को मैंने दे रखा है ऐसे बना करके। तो इस तरह का स्पीकर आप लोग बना करके अपने रूम में लगा सकते हैं। तो अब क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ज्वाइंट करना है। तो ये दो वायर मैंने यहाँ से निकाल रखे हैं, इन दोनों वायर को दूसरे वाले स्पीकर में ज्वाइंट कर लेना है दोस्त। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है, फटाफट से मैं ज्वाइंट कर ले रहा हूँ। इस वाले वायर को भी यहीं पर मैंने ज्वाइंट कर लिया इस तरह से। तो ये दोनों स्पीकर एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है यहाँ पर, देख रहे हैं। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक और वायर चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो ये वायर मेरे पास में है, ये डाटा केबल, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास में जैक वाला है, आपके पास में जैक वाला नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जैक वाला नहीं है तो मैं बताऊँगा बिना जैक के है तो भी कहाँ पे आप लोगों को ज्वाइंट करना है। मेरे पास में तो जैक वाला है तो मैं इसका यूज कर ले रहा हूँ, वीडियो में जल्दी से बताने के लिए मैंने जैक का उपयोग किया है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसके लिए मैंने सब कुछ यहाँ पे ले रखा है, ये जैक वाला ले रखा है मैंने, फटाफट से लगा दूंगा, नहीं तो ज्वाइंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर इसलिए ज़्यादा लेट बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसके लिए मैंने ये वाला ले रखा है। नहीं आपके पास में कोई बात नहीं, और है तो आप यूज में इसको ले सकते हैं, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बताऊँगा मैं आप लोगों को कि प्लेट में कहाँ पर वायर ज्वाइंट करना है बैटरी वाला भी, और कहाँ पर ज्वाइंट करना है स्पीकर वाला भी, अगर जैक नहीं है तो, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, इन दोनों वायर को किसी एक स्पीकर पर ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको ज्वाइंट कर लेता हूँ इस वाले स्पीकर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ज्वाइंट कर ले रहा हूँ, तो इस तरह से आप लोग भी इसको ज्वाइंट कर लेंगे दोस्त। तो यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया, दोनों स्पीकर को एक दूसरे से ज्वाइंट करना है और किसी एक स्पीकर में ये वाला वायर ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। ये दोनों स्पीकर को एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिया मैंने, देख लीजिए दोनों स्पीकर एक दूसरे से ज्वाइंट हो चुका है, और ये वाला जो वायर है किसी एक स्पीकर पर मैंने ज्वाइंट कर दिया है, बस इतना काम तो हो गया। अब समझ लीजिए कि अगर आपके पास में जैक नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्त देखिए, ये जो पॉइंट होता है ना, ये दोनों पॉइंट दिया गया है, दोनों पॉइंट दिया गया है किसके लिए, स्पीकर लगाने के लिए, दो स्पीकर लगाने के लिए दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को दो वॉल्यूम IC भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो दो स्पीकर के लिए दिया गया है यहाँ पर लगाने के लिए। तो आपके पास में जैक नहीं है तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट इसका जो ये पॉइंट दिया गया है ना, दोनों आप दोनों पर ही ज्वाइंट कर दीजिए, एक इस पर और एक इस पर वायर ज्वाइंट कीजिए, और एक इस पर और एक इस पर ज्वाइंट कीजिए, आराम से स्पीकर काम करेगा। और स्पीकर में प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है, कहीं इधर भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं, वहाँ नहीं ज्वाइंट कर सकते तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ज्वाइंट कर सकते हैं कहीं पे भी, यहाँ, ठीक है,
ज्वाइंट कर देंगे, स्पीकर के लिए दोनों पॉइंट है, ठीक है, यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। तो अगर इस तरह का जैक नहीं है आपके पास में, यहाँ पर ऐसा जैक नहीं है, तो आप लोग इसमें ज्वाइंट कर लीजिए। अब रहा इसका बात तो ख़त्म हो गया, अब बैटरी का बात है कि बैटरी को कहाँ पर ज्वाइंट करेंगे अगर जैक नहीं है तो। तो कोई बात नहीं, जैक नहीं है तो बैटरी लगाने के लिए जो पॉइंट दिया गया, जो ये दिया गया बैटरी का सेक्शन, ये होता है, ये पूरा सेक्शन जो है यहाँ पर रेड एक लगा रहता है ऐसा जैक सा, तो वो निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक मिनट देखिए, इस तरह का जैक सा लगा रहता है रेड, जहाँ पर बैटरी लगाने के लिए रहता है ना, ऐसा रेड कलर का रहता है, और इसको नीचे पलटेंगे तो इस टाइप का रहेगा जॉइंट करने के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये बैटरी का पूरा सेक्शन है, ये बैटरी का है, इसको पलटेंगे पीछे तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ऐसा दिया गया रहता है, ठीक है। तो हमें जॉइंट करना है, जो जिधर प्लस लिखा है उधर प्लस वाले पे जॉइंट करना है, जिधर माइनस लिखा है उधर माइनस, प्लस माइनस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, चाइनीज भाषा में लिखा है, लेकिन प्लस माइनस तो आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख लेंगे कि जिधर प्लस लिखा है तो बैटरी का उधर प्लस जॉइंट कर देंगे, और जिधर माइनस लिखा है बैटरी का माइनस वाला पॉइंट उधर जॉइंट कर देंगे, ठीक है, एकदम सिंपल है। इस तरह से जॉइंट आप लोग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये स्पीकर का वायर है, तो स्पीकर के वायर को मैंने जहाँ पे स्पीकर का लगाते हैं तो वहाँ पे मैंने इसको लगा लिया, ठीक है, यहाँ पे लग गया स्पीकर का। अब बैटरी का जैसे कि देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस देख रहे हैं आप लोग किधर है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, उसी तरह से हम इसमें देख लेंगे किधर प्लस है किधर माइनस है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला है प्लस का पॉइंट और ये वाला है माइनस का पॉइंट, और बैटरी में भी उधर ही आ रहा है, तो इसको हम इसी में लगा देंगे ऐसे, तो ये इसमें हम लगा दिए, ठीक है। बाकी मैंने ये चार्जिंग के लिए बना रखा है, इसका जैक उखड़ चुका था तो मैंने चार्जिंग का पॉइंट बना रखा है, वायर निकल गया, मैं इसको जॉइंट करता हूँ। तो इस तरह का मैंने इसका चार्जिंग जैक लगा रखा है, इसको ये बहुत ही आसानी से लग जाता है यहाँ पे। अगर आप लोगों का भी किसी प्लेट में का चार्जिंग जैक टूट करके निकल चुका है, चार्जिंग वहाँ पर नहीं है, निकल गया है, तो मैंने वीडियो बना रखा है उस पर, मैंने एकदम कंप्लीट वीडियो बनाया। मान लीजिए इसका चार्जिंग जैक निकल टूट करके निकल गया, यहाँ पे कोई भी प्रिंट वगैरह भी कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं है, टूट करके निकल चुका है। तो ऐसा आपके प्लेट में कोई हो गया जिसका चार्जिंग जैक टूट गया है और टूट के प्रिंट भी निकल चुका है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर ज्वाइंट करें, कैसे करें, कैसे बनाएं, तो कुछ मत कीजिए, बस हमारे चैनल पर जाइए और जा करके देखिए, अलग अलग प्लेट के लिए अलग अलग वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, और बहुत ही अच्छा से मैंने बता रखा है उसमें किस तरह से चार्जिंग जैक को सही करना है, तो उसको देखिए और देख करके खुद से आप लोग उसको सही कर पाएंगे। इसको तो मैंने बना रखा है, और बना करके बस इसमें क्या करना है, यहाँ पे से इसको सेट कर देना है, और बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में भी, कुछ ख़राब भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार्जिंग जैक बना दिया, अब मैं इसको ऑन करूँगा, ऑन करके आप लोगों को दिखा दूँगा, चार्ज करके भी दिखा दूँगा, सब कुछ करके दिखा दूँगा, चालू करके, चार्ज करके भी, ऑन करके सब कुछ दिखा दूँगा, बजा के भी दिखा दूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ऑन करता हूँ, चालू करता हूँ, चालू करूँगा तो आवाज़ तो आप लोगों को सुनाई देगा ही, ठीक है। तो मैं इसको चालू करता हूँ, चालू करूँगा तो यहाँ पर रेड लाइट भी जलेगा ही, जैसे चालू करने से ऑन करने से यहाँ पर लाइट जलता है वो जलेगा ही। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन करूँगा तो लाइट तो आप लोगों को दिखाई देगा ना जलता हुआ, देखिए आवाज़ भी आएगा ही। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, इसका बटन दबाऊँगा, ऑन हो जाएगा ये, तो ये ऑन हो गया, आवाज़ सुनिए। तो दोस्त ये ऑन हो चुका है, ऑन हो गया और मोबाइल से कनेक्ट भी हो गया है यहाँ पे। अब मैं इसको चलाऊँगा, आवाज़ आएगा, सुन सकते हैं आप लोग आराम से, देखिए। अब मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से, अब प्ले करूँगा और गाना भी चलेगा, बहुत ही अच्छा बजता है, थोड़ा भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देख रहे हैं आप लोग। इस तरह से आप लोग एक अच्छा सा ब्लूटूथ म्यूजिक स्पीकर बना सकते हैं, जो बहुत ही यूनिक दिखने वाला है। अब इसको दो चार बनाइए और बना के अपने रूम में लगाइए, और इस प्लेट को कहीं एक जगह पर सेट कर दीजिए, मोबाइल से कनेक्ट कीजिए और कंट्रोल करते रहिए आराम से। तो इस तरह से आप लोग एक अच्छा सा म्यूजिक स्पीकर बना सकते हैं, कैसे, टूटा हुआ एक प्लेट लेकर के, आपके पास में कोई मदरबोर्ड पड़ा है तो उससे आप लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लग गया सच में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। दोस्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, आपको कमेंट पढ़ने में अच्छा लगता है, तो अगर अच्छा लगा है तो अच्छा बताइए, और अच्छा नहीं लगा है तो भी बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे, जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।